सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई एम योर होस्ट निशांत पाठक। इफ़ यू नो मी देन इट्स गुड, अगर नहीं जानते हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, यू नो मी। सो गाइज अपना लड़का दुबई से घूम के आ चुका है और हमने कुछ प्लान किया हुआ था शादी के बाद, हमें कुछ दान करना था। तो भाई चेहरे पे निखार तो दिखा दे। हाँ, इसका चेहरे पे निखार देख लो आप, दुबई के बाद कैसी निखार आ गई है। कान की चमकान कहाँ से आई है ये? तो दुबई से आई है। तो अपना प्लान ये था कि यार जब ये वापस आ जाएगा ना, तो हमने कुछ सोचा हुआ था कुछ डोनेट करने का, क्योंकि यूजुअली हम जाते रहते हैं अनाथ आश्रम में। हमने खाने पीने का सामान कुछ बनवाया था उनके लिए, तो वो आज हम डोनेट करने के लिए जा रहे हैं। ये ना तो कोई ट्रैवल व्लॉग है ना कोई फूड व्लॉग है। मैं ये व्लॉग क्यों बना रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग इंस्पायर हों, जीवन चले, तो वो हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज मैं सोच रहा हूँ कि यार व्लॉग ही बना दूँ उसके लिए। और उनके साथ ना मैं आपको बताता हूँ, उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करने में अलग ही मजा है। आप जाओगे वहाँ पे, चलो हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कितना सुकून है उन लोगों की, उनके चेहरे पे कितनी मुस्कान आती है। हम देख के, बाहर से लोग जाते हैं उनको अपनापन फील होता है। अब उनके अपनों ने तो उनको छोड़ दिया है, किसी को रेलवे स्टेशन पे, किसी को रोड पे, किसी को मंदिर में छोड़ देते हैं। पर बाहर से आप लोग जाओगे ना, आप विजिट करो पलवल से, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर दोस्त लोग हैं जो देख रहे हैं इस व्लॉग को, प्लीज महीने में एक बार या दो महीने में एक बार आप लोग या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे चले जाओ, अपनी खुशी उनके साथ शेयर करो, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, अपना एक घंटा या दो घंटा दो, और जितना भी एफर्ट्स हो सकता है उनके साथ खाना भी शेयर करो। तो मैंने पहले एक बार अपने बर्थडे पे वहाँ भी किया हुआ है, गुड़गांव के अंदर भी वृद्धाश्रम में मैं एक बार गया था। तो यार बड़ी खुशी मिलती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने वो फोटोज भी अपने सोशल नेटवर्किंग पे डाले हुए हैं। पहले मैं ज़्यादा मतलब यार ये वाली चीज़ें इसका, क्योंकि लोग कहते हैं शो ऑफ कर रहा है, बट मैं सोच रहा था कि अभी मेरे को दीपक ने बोला, एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसका एक व्लॉग बनाऊँ, बट दीपक ने सजेस्ट किया कि यार लोगों को इंस्पायर भी करते हैं अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, और मतलब हम उन लोगों तक पहुँच रहे हैं जो लोग हमें जानते नहीं हैं, तो थोड़ा सा एक इंस्पायर भी करते हैं यार। वृद्धाश्रम वगैरह या अनाथ आश्रम वगैरह जाना चाहिए और उनको फूड वगैरह डोनेट करना चाहिए। सर्दियों के टाइम में भी हमने एक बार कपड़े डोनेट किए थे, मेरे कॉलेज टाइम पे मैंने कपड़े डोनेट किए थे। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। बाकी ये वाला व्लॉग मतलब किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं है, ना कोई ट्रैवल व्लॉग है ना कोई फूड व्लॉग है, जस्ट पर्सनल व्लॉग है। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि यार हम अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो ये भी उनमें से एक छोटा सा व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो हम कुछ खाने के लिए उनके लिए लेके जा रहे हैं आज, तो चलो वे स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। आई एम योर होस्ट निशांत पाठक, आप सभी का स्वागत है पाठक व्लॉग्स में, स्टे ट्यून्ड। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आंचल छाया करके अनाथ आश्रम है, पलवल से थोड़ा सा ही आगे पड़ता है। कौन से गांव के अंदर पड़ता है? बघोला गांव के अंदर। हाँ, तो अभी अंदर जाके देखते हैं, एक बार बात करते हैं इनके मैनेजमेंट से, पहले बात कर लेंगे और पूछ भी लेंगे यार रिकॉर्ड करने देंगे नहीं करने देंगे, क्योंकि परमिशन लेना भी ज़रूरी है, पहले कभी हमने ऐसी जगह शूटिंग नहीं करी है। सो लेट्स गो। ये वॉशरूम है यहाँ, बाकी ये रूम्स बनाए हुए हैं। दो कमरे बनाए थे यहाँ पे। अच्छा, ये किचन है? ये किचन है, अभी ये काम है। ये किचन है यहाँ पे, कितने फ्लोर है? फ्लोर एक फ्लोर और है ऊपर। इसको बने एक साल हुआ है। अच्छा, अभी पहले से भीड़ कम है ना? अच्छा, आपका अपना नाम बता दो, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम एपी खान। अच्छा, तो पहले कहाँ रहते थे इससे पहले? मैं 5 नंबर NIT। NIT से? अच्छा, तो बच्चे वगैरह नहीं है? सब है। तो फिर यहाँ वृद्धाश्रम में रहने के लिए बस लिखा भी था। अच्छा, पहले जॉब वगैरह करते थे? नहीं, अपना काम था। अपना काम था, क्या बिजनेस करते थे? नहीं, सेलन परचेज की। अच्छा, बच्चे भी रहते हैं यहाँ पे? नहीं, वैसे बच्चे ही आ गए, ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आए कुछ, आ जाओ। सिवाय ये वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम दोनों हैं यहाँ पे, मतलब वृद्ध लोग भी हैं और बच्चे भी हैं छोटे, दोनों साथ में रहते हैं। यही बात है, कोई ना काम देना, इसको भी दे दो, लड्डू दे दो। कैसे लगे लड्डू? ठीक है, हैं? नाम क्या है आपका? सोनू। नानू है। नानू, और मेरा हट्टू है। हट्टू, और तुम्हारा नाम क्या है? भीम। भीम है? वीर सिंह। वीर सिंह ज्यादा खुश है लड्डू का के। और क्या नाम है? रोशन। रोशन, अच्छा, खा लो और चाहिए तो बता देना, ठीक है? रखा हुआ है, उधर से ले लेना। मेरा नाम निशांत है, ये लोकेश है और ये दीपक है। इसके नाम से 100 रुपए की रसीद दे दे। कोई बात नहीं, रसीद कोई जगह रसीद मत दो आप। हमारा चैनल है पाठक व्लॉग्स यूट्यूब पे, तो हम उसकी तरफ से आएंगे। ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी। बाकी अब यहाँ से निकल रहे हैं यार, एक अंकल हमें यहाँ पर मिले हैं, मैं बताता हूँ आपको। उनका घर NIT सेक्टर 5 में है, मैंने अभी उनकी थोड़ी सी फुटेज बनाई थी जो आपने अभी देखी होगी। तो वो अंकल मेरे को अपर मिडिल क्लास लग रहे थे, और यार मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चे वगैरह नहीं है या कैसे आप मतलब यहाँ पे हो, तो उन्होंने बिना कुछ बोले हुए ये ऐसे उन्होंने किया, तो इसका मतलब है कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ है यहाँ पे रहना, इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। मतलब उनका घर भी है NIT में, बता रहे थे वो सेक्टर 5 में। चीज़ें सोचते हैं हम जब कि यार लोग ऐसे भी हैं, मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं और उनको मतलब अनाथ आश्रम में डाला हुआ है, और यही रीज़न है हमारा जो कि हमें खींच के लाता है ऐसी जगह पर। लोग जिनको ज़रूरत है और इस प्यार को जो अभी उनको नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ हम उनके साथ शेयर करें। और मैं आप सबको भी बोलूँगा यार, एक ही बात बोलूँगा कि आप कभी भी मतलब आपको मौका मिलता है तो ऐसी जगह ज़रूर जाओ यार, उन लोगों से मिलो। आपको खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी और अंदर से मतलब आपको खुशी मिलेगी एक। तो बस इसीलिए मैंने ये वाला ब्लॉग बनाया था, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको इतना ही रखेंगे। जो हमारा होता है कि आज मैं नहीं बोलूँगा आपको कि सब्सक्राइब करो, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही व्लॉग्स बनाता रहूँगा। बाकी एक लाइक ज़रूर कर देना जिससे कि मेरे को पता चले कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए।